हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप ये होटल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये होटल एंड पॉइंट था हमारी तामनी घाट वाले वीलॉग का। अगर वो वीलॉग अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। तो आज की हम जर्नी शुरू कर रहे हैं कुंडलिका वैली के लिए। ये वैली इस होटल से 5 किलोमीटर दूर है। हिंजेवाड़ी फेज 3 से ये 55 किलोमीटर दूर है और पुणे सिटी से ये 85 किलोमीटर। तो चलिए हमारे साथ इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या मिजाज था और कैसा है ये। चलिए हमारे साथ। एक्चुअली आज काफ़ी गर्मी थी और काफ़ी धूप भी थी, तो बस इस सब से बचने के लिए सोचा कि चलिए कहीं ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे हमें रिलीफ मिले। तो तामनी घाट की एक खूबसूरती है कि यहाँ पर आप कभी भी आए आपको यहाँ पर हमेशा मौसम सुहाना ही मिलेगा। जैसे ही हम यहाँ पर आए तो देखा यहाँ पर बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएँ थी, क्लाउडी था। हम लगभग अब कुंडलिका वैली के पास पहुंच चुके हैं और एग्जैक्टली जहां पे लोग खड़े होकर व्यू देखते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं इस चीज़ का, हम वहां से केवल 300 मीटर पहले रुक गए क्योंकि हमें एक अच्छा स्पॉट दिखाई दिया। और यहां हम क्यों रुके हैं, हमने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया है, ये आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। क्योंकि जनरली जहां से लोग खड़े होकर देखते हैं तो वहां पे 5 मिनट 6 मिनट से ज़्यादा रुकते नहीं हैं, और फिर जस्टिफाई नहीं होता कि आप 80 किलोमीटर दूर चलकर आए और केवल 5 मिनट रुक रहे, तो आपकी इच्छा भी नहीं होती। तो मैं आपको बताता हूँ जहाँ इस साइड में हम आए हैं, एक साइड व्यू दिखाएंगे आपको, सेम उसी वैली का हम पैरेलल जाएंगे। अब वो प्लेट्यू देखना आप और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आप क्या क्या आप कर सकते हैं और कितने सुकून से और आराम से। जैसा कि आपको हमने बताया कि हम काफ़ी दोपहर में आए हैं यहाँ पे, तो और ये सितंबर मंथ है तो उतना यहाँ पे क्लाउड नहीं है फिलहाल, उतनी ज़्यादा रेन नहीं है। लेकिन आप जब फुल रेनी सीजन में आते हो तो आपको बता दूँ यहाँ पे बहुत अच्छा बड़ा काफ़ी डेंस फॉग होता है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल आपको फीलिंग आएगी महाबलेश्वर जैसे। और अब आपको हम उस जगह पर भी लेके चलते हैं जहाँ से जनरली लोग व्यू को देखते हैं, और आपको फिर थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं और रोड साइड पे थोड़ा सेफ्टी का होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये है वो पॉइंट जहाँ पे जनरली लोग आते हैं, खड़े होकर देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें सब कुछ यहाँ पे दिख जाए। लेकिन ये एक काफ़ी पॉइंटेड सब पॉइंट है ये, जहाँ से आप ज़्यादा मल्टीपल एंगल तो नहीं देख पाओगे, लेकिन लोग यहाँ तक आते हैं और चले जाते हैं वापस। लेकिन आपको कहूँगा कि यहाँ तक अगर आए हो तो इसके आजू बाजू थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। इसके 500 मीटर लेफ्ट में और राइट में बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको एक और पॉइंट पर ले चलता हूँ, जो पहले वाले जो पॉइंट हमने आपको अभी दिखाया उसे बस 100 मीटर और पहले वो पॉइंट है और वो भी काफ़ी अच्छा है। तो चलता हूँ मैं आपको यहाँ से लेके और उस पॉइंट के भी आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो ये है हमारा अब जर्नी का आखिरी पॉइंट, जो कि पहले वाले पॉइंट से केवल 100 मीटर पहले था वो पॉइंट। इसको भी हमने एक्सप्लोर किया, पॉइंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ओपन और स्पेशियस, काफ़ी ग्रीनरी और क्लीन भी है। ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे आपके बच्चे काफ़ी मस्ती करेंगे, क्योंकि काफ़ी ओपन है और रोड से काफ़ी दूर है। पास में ही एक छोटा सा पॉन्ड है, क्योंकि फ़िलहाल फुल तो नहीं है, लेकिन जब बारिश अपने ज़ोरों पे होती तो ये काफ़ी फुल होता है और वाटर काफ़ी फ्लोइंग होता है यहाँ पे। और इसी के बाजू में एक छोटा सा रास्ता जाता है वैली के साइड में, और वो वैली के अंदर की तरफ लेके जाएगा। वो थोड़ा सा अप एंड डाउन है यहाँ पे और काफ़ी रिस्की भी है, थोड़ा सा संभल के चलना होगा, रॉकी भी है। और यहाँ जाके आप फिर से वैली का मज़ा ले सकते हो, क्योंकि ये भी काफ़ी हाइट पे है और यहाँ पे आके आप अपना वीडियो शूट कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो। तो फाइनली अब हम वापस चलते हैं अपने घर की तरफ। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारी कोशिश रही कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बने और आपको पसंद आए। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ लाइक और शेयर तो कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।